नमस्ते जी और वेलकम टू पूर्णांकित। आज तारीख है 22 मार्च और एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है अक्रॉस द कंट्री। जो कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ था, आज आते आते इंडिया आ गया है और आज शाम तक, जैसा कि हम सब न्यूज़ में देख रहे थे, इंडिया में भी 350 प्लस केसेस, कन्फर्म केसेस हो गए हैं कोरोना वायरस के। अभी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने मिलकर लॉकडाउन की घोषणा करी है। यूपी में जैसे ही हम लोगों ने सुना कि 15 डिस्ट्रिक्ट बंद हो गई हैं, उसी को फॉलो करते हुए पहले महाराष्ट्र में हो गया था, केरल में लॉकडाउन किया गया था, हरियाणा में लॉकडाउन किया गया है। तो बहुत एक क्वेश्चन सबके राइज दिमाग में हो रहा है कि लॉकडाउन क्या है। मैं बहुत एक्यूरेटली तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत सारे नॉर्मल जितना भी इंटरनेट पे और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट गैजेट आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली लॉकडाउन में उन्होंने क्या करा है और क्या करने जा रहे हैं, जो अब तक की न्यूज़ है, मैं उसी के लिए आज अपडेट देने के लिए यहाँ पे हूँ। तो लॉकडाउन में सबसे पहले जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं इंटर स्टेट्स, उन्होंने रोक दी गई हैं, या फिर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट बोलिए, कोई भी बसेस सर्विसेज नहीं जाएंगी। हमारी पहली बार इंडियन रेलवेज रोक दी गई हैं 31 मार्च तक, कोई भी पैसेंजर ट्रेन इसमें नहीं इंक्लूड होंगी, कोई भी नहीं आ जा सकता है। सारे तरीके कम्युनिकेशंस में जितने भी आप, बेसिकली आप ये मान के चलिए कोई भी सारी फैक्ट्री, सारी शॉप्स, सारे बाजार, सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं जब तक ज़रूरत ना हो। लेकिन लॉकडाउन में क्या खुला रहेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबको समझ में आता है कि लॉकडाउन है, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज़ में जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर आर्मी ने टेक ओवर कर दिया है और सब कुछ बंद कर दिया है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन क्या होने जा रहा है कि आप लोग से अपील की गई है अपने घर के अंदर रखें, आप लोग की सारी दुकानें बंद रहेंगी, फैक्ट्रीज बंद रहेंगी, सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन क्या खुला रहेगा ये इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं, जिसका बोला गया है एसेंशियल सर्विसेज जो खुला रहेगा उसके अंदर कौन कौन लोग की क्या क्या सर्विसेज खुली रहेंगी। सबसे पहले जितनी भी आपकी ग्रोसरीज आइटम हैं, जैसे आपको बेसिक नेसेसिटीज़ है, खाना हो गया, दूध हो गया, दालें हो गई आपकी, जितनी भी राशन की दुकानें हैं, बेसिक असेंशियल्स खुले रहेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी सप्लाई चेन है उसको अलाउ किया गया है कि वो लोगों तक पहुँचती रहे, ये खुला है। जितनी भी इम्प्लॉयज़ हैं आपके रेलवे के, आपके ईयर के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो लोग अपनी सर्विसेज के लिए ऑफिस जाएंगे। थर्ड में आता है बैंकिंग सर्विसेज, एटीएम्स रिलेटेड सर्विसेज सारी ओपन रहेंगी, बैंक्स के एम्प्लॉयज़ को ले जाना है। उसके बाद आपका पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट खुला रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंटली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट के एम्प्लॉयज़ को जाना है। गवर्नमेंट ने एक लाइन में ये भी लिखा है गैजेट में, ऐसी कोई भी फैक्ट्रीज, शॉप्स जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट साथ में काम कर रही हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो ज़रूरत है, तो उनको वो खोलने के ऑर्डर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली जो सबसे असेंशियल है हमारे इस समय के लिए, आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल रिलेटेड दुकानें हैं, आपकी केमिस्ट शॉप्स हैं, ये खोलने के ऑर्डर्स हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी सप्लाई चेन है वो खुला रहेगा। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रोल, LPG और प्लस इनकी सप्लाई चेन्स, ये खुली रहेंगी। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कि जैसे खोलना ज़रूरी है और जिसके लेके दिमाग में आप लोग के लिए ये है कि ये एसेंशियल सर्विसेज के अंडर में आता है या नहीं आता है, तो इसकी सारी पावर्स वेस्ट की गई हैं उसके DM के लिए, सिटी मजिस्ट्रेट के अंडर में, कि इन अथॉरिटीज़ को अगर लगता है कि वो एक एसेंशियल सर्विसेज के लिए है और खोलना ज़रूरी है, तो वो टाइमली इसमें चेंज किया जा सकता है। फिलहाल जो हिसाब से ये न्यूज़ थी, ये इन्फॉर्मेशन थी, फिलहाल ये है। तो प्लीज़ गाइज, मैं आपसे अपील करता हूँ, अपने घरों में रहिए, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर मत आइए। अगर आप ये करने में कामयाब रहे तो हम ज़रूर कोरोना वायरस को हरा पाएंगे। जय हिंद।